जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। बेटा एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने है एसएससी का। आपने जो अभी तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा था या आप आगे कोई एसएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो एसएससी की तरफ से एक नोटिस कल रिलीज हुआ है जिसमें एसएससी ने न्यू वेबसाइट लॉन्च करने की चीज़ें बताई हैं और आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन दोबारा करना होगा, ये चीज़ें बताई हैं। ये सीधे सीधे ये दर्शाता है कि वेंडर चेंज होने वाला है और ये क्या नोटिसेज आए हैं, कैसे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं, सारी चीज़ों पे बात करेंगे आज की वीडियो पे। चलिए शुरू करते हैं। बेटा कल ये नोटिस आपको देखने को मिला है जिसमें क्या लिखा है, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेक्स प्राइड इन अनाउंसिंग द लॉन्च ऑफ अ न्यू वेबसाइट। यानी नई वेबसाइट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की लॉन्च हो रही है, विच हैज बीन मेड लाइव ऑन 17/2/2024। यानी वेबसाइट ऑलरेडी लाइव हो चुकी है 17 फरवरी को। इसमें ये कह रहे हैं द एग्जिस्टिंग वेबसाइट विल ऑल्सो बी कॉन्टिन्यूड टू बी एसेसिबल थ्रू अ लिंक ऑन द न्यू वेबसाइट। यानी पुरानी वेबसाइट भी कॉन्टिन्यू रहेगी, बट आगे की ये बात क्या कह रहे हैं, ताकि आप नए लिंक से नई वेबसाइट पे पहुंच पाएं, बस उसके लिए ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डू फ्रेश वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यानी आपने अभी तक एसएससी का एग्जाम दिया है तो आपने एसएससी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन किया होगा, बट वो अब मान्य नहीं होगा। आप आगे कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो अब आपको एक नया फ्रेश वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। और यही एक रीजन है बेटा जिसकी वजह से सीपीओ का और फेज 12 का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आने वाला था, जो वैकेंसीज रिलीज होने वाली थी, वो डिले हो गई हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, तो आप जितनी जल्दी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, हो सकता है नोटिफिकेशन जल्दी ही देखने को मिल जाए। आगे ये क्या कह रहे हैं, न्यू वेबसाइट, नई वेबसाइट कौन सी है इस बात पर ध्यान रखिए। अब जो नई वेबसाइट है वो बेटा ये है ssc.gov.in। और प्रीवियस जो वेबसाइट थी वो थी बेटा ssc.nic.in। अब ये आगे के लिए मान्य नहीं है। अब आगे जो भी एसएससी के अपडेट्स होंगे, फॉर्म भरे जाएंगे, जो कुछ भी प्रोसेस होगा इस न्यू वेबसाइट पे होगा ssc.gov.in। द डिटेल्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन मे बी सीन अंडर सेक्शन फॉर कैंडिडेट्स स्पेशल इंस्ट्रक्शन। यानी इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन फाइल भी रिलीज करी है कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन अब कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दोनों वेबसाइट दिखा देता हूं और आपको किस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा वो भी बता देता हूं। नोटिस आप समझ गए होंगे, नोटिस सीधे सीधे अभी ये कहना चाह रहा है कि अब आपको एक फ्रेश वन टाइम रजिस्ट्रेशन न्यू वेबसाइट पे, जो कि ssc.gov.in। यानी अब हमारी न्यू वेबसाइट क्या है बेटा, ssc.gov.in, ssc.gov.in। ये एसएससी की बेटा न्यू वेबसाइट है। तो आप अब जो कुछ आगे फॉर्म्स वगैरह अप्लाई करेंगे सब इस पे ही होने वाले हैं। जैसे मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, जैसे पहले जो वेबसाइट हुआ करती थी बेटा वो थी ssc.nic.in। तो इस पे आप ओपन करेंगे, ये वेबसाइट अभी एक्टिव है, बट ये कल इन्होंने नोटिस रिलीज कर दिया है लॉन्चिंग ऑफ न्यू वेबसाइट। तो ये पुरानी वेबसाइट है, अब आगे के काम इस वेबसाइट पे बेटा नहीं होंगे, आगे के काम इस वेबसाइट पे नहीं होंगे। तो किस वेबसाइट पे होंगे, तो बेटा दूसरी वेबसाइट है, इसे तो आप भूल जाओ। दूसरी वेबसाइट जो लॉन्च करी गई है वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए वो है, मैं यहां आपको दिखा देता हूं, न्यू वेबसाइट जो लॉन्च हुई है एसएससी। आपको टाइप करना होगा अपने मोबाइल पर या आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं कंप्यूटर, ssc.gov और .in, ssc.gov.in आप करेंगे तो बेटा आप ये न्यू वेबसाइट पे पहुंच जाओगे ssc.gov.in। ये बेटा हमारी नई वेबसाइट है जिसमें सबसे ऊपर आपको माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी दिख जाएंगे, और ये एसएससी का जो दिल्ली में कार्यालय है, और ये जो नई हमारी पार्लियामेंट है और राष्ट्रपति भवन, इन सबके फोटो लगे हुए हैं, है ना। तो यहां पर ये एसएससी की नई वेबसाइट है, फर्दर सारे अपडेट्स आपको इसी वेबसाइट पे दिखने वाले हैं। और अभी हम कुछ अपडेट्स देख भी सकते हैं, जैसे नोटिस बोर्ड है लगातार जिस पे नोटिसेज आना शुरू भी हो गया, यानी ये वेबसाइट लाइव हो चुकी है। एसएससी का कैलेंडर भी पड़ा हुआ है जो 2024 का था, यानी वेबसाइट लाइव हो चुकी है, वेबसाइट आपकी लाइव हो चुकी है। और अब आपको इस पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। कैसे करेंगे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जैसे ही आप ssc.gov.in पर विजिट करेंगे आपको यहां पे दिख रहा होगा लॉगिन और रजिस्टर। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे।
इसके बाद ये अगर आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, जो तो अभी किसी बच्चे का होगा नहीं क्योंकि अभी वेबसाइट कल ही इन्होंने नोटिस रिलीज किया है, तो इस पर हम जाएंगे रजिस्टर नाउ, यानी हम न्यू यूजर हैं, रजिस्टर नाउ। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसी विंडो आपके सामने खुलेगी जिसमें पर्सनल डिटेल, यानी आपको चार स्टेप के थ्रू गुजरना है तब आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, जिसमें पहला स्टेप है पर्सनल डिटेल्स, दूसरा स्टेप है पासवर्ड क्रिएशन, तीसरा स्टेप है एडिशनल डिटेल्स एंड आफ्टर दैट डिक्लेरेशन। तो यहां पे आप कंटिन्यू करेंगे तो इसने बता दिया कि चार स्टेप्स फर्दर होने वाले हैं। तो अब जब आप नेक्स्ट पेज पे पहुंचेंगे तो इस तरीके से सबसे पहली विंडो पर्सनल डिटेल की खुलेगी। पर्सनल डिटेल में जो भी डिटेल्स आपसे ये मांग रहे हैं, चीजें कुछ ज्यादा बदली नहीं है, बट न्यू वेबसाइट लॉन्च हुई है। तो यहां पर आपको बेटा डू यू हैव आधार कार्ड, तो यस कर देना है और आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिख देना है। अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। वैसे तो आधार कार्ड तो बेटा मैंडेटरी है, आपको भरना ही पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे आप यस कर दें, उसके बाद इसी तरह से जो जो चीज़ें मांग रहे हैं, कैंडिडेट्स नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, हैव यू चेंज नेम, यानी जो पहले पूछा जाता था वही है, जेंडर वेरीफाई जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम वेरीफाई मदर्स नेम, मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, है ना, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ भर देनी है, रोल नंबर वगैरह सारी चीज़ें, ईयर ऑफ पासिंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। इतनी सब चीज़ें भरने के बाद अपने मोबाइल पे आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं और इतनी सब चीज़ें भरने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब देखो, अभी मैं रजिस्ट्रेशन करके आपके लिए वीडियो भी लेके आऊँगा कि प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे, बट अभी एसएससी ने एक पीडीएफ भी रिलीज़ किया बेटा, एसएससी की तरफ से एक पीडीएफ भी रिलीज़ हुआ है जिसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स दे रखी हैं। देखो आपके सामने ये ऐसा पेज दिखेगा आपको, है ना। यहाँ पर हम बात करें तो अभी हमने वेबसाइट खोली थी तो मैंने अभी बताया था आपको कि मोदी जी दिखेंगे, फिर आगे आपका न्यू पार्लियामेंट जो है उसका फोटो लगा हुआ है, तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। तो यही सारे स्टेप्स अभी आए थे कि अभी हमने लॉगिन किया था तब, तो हमें सबसे पहले दिखा था कैंडिडेट, तो हमने कहा था न्यू रजिस्टर नाउ पे जाना है आपको। तो रजिस्ट्रेशन नाउ पर जाने के बाद आपका जो फर्दर पेज आया था, फर्दर जो पेज आया था वो ये आया था, सेकंड पेज आपको ये देखने को मिला था कि आपके चार स्टेप्स होंगे, पासवर्ड डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल्स एंड डिक्लेरेशन। आफ्टर दैट अभी मैंने आपको थर्ड पेज दिखाया कि थर्ड पेज पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, ये सारे स्टेप्स थे वहां पे कि आपको पर्सनल डिटेल भरनी थी सारी, आधार कार्ड वगैरह, आधार कार्ड नंबर, डू यू एवर चेंज है, तो ये सारे स्टेप्स थे। जब आप इस पूरे स्टेप को पूरा कर लेंगे तो नेक्स्ट जो विंडो है इसमें वो बेटा किस चीज की खुलने वाली है, नेक्स्ट विंडो पर्सनल डिटेल की थी, अब ये नेक्स्ट विंडो आ जाएगी पर्सनल डिटेल्स के बाद पासवर्ड क्रिएशन की। किस चीज की बेटा, पासवर्ड क्रिएशन आपको करना होगा, यानी आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा सेकंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में आपको अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स दे देनी है और सेकंड स्टेप में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा आपको इस पर, और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद आप फिर कंटिन्यू पे कर जाओ। कंटिन्यू कर जाओगे तो यहां पर आप फिर पासवर्ड क्रिएशन के पेज पर पहुंचेंगे। पासवर्ड क्रिएशन वाले पेज पे आप पहुंचेंगे तो इस तरीके का पेज आपको दिखेगा। आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल नंबर पे भी पहुंच जाएगा, आपको स्क्रीन पे भी शो होगा और आपके मेल आईडी पर भी पहुंच जाएगा, जो मेल आईडी आप पर्सनल डिटेल में डालेंगे। यहाँ पे फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, फिर पासवर्ड और पासवर्ड एज रिक्वायर्ड, है ना। ये करने के बाद आप साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद थर्ड स्टेप है बेटा एडिशनल डिटेल्स। एडिशनल डिटेल्स मैं आपको जैसे यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड वगैरह डालने के बाद ये सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह आपसे मांगेगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड चेंज करने को कहेगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन भर देना अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भूल जाते हो तो। सिक्योरिटी आंसर से, यानी सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर से आप अपना इस पर एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इन्होंने अगला बताया है कि पासवर्ड क्रिएशन हो गया, आफ्टर दैट आपको कहाँ पहुँचना है, आफ्टर दैट आपको पहुँचना है बेटा एडिशनल डिटेल्स पे। एडिशनल डिटेल्स में क्या क्या मांग रहे हैं, कैटेगरी, नेशनलिटी, कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर अदर नेशंस, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी वगैरह, एड्रेस, आपका एड्रेस, पिन कोड, ये सब डिटेल्स मांगी गई हैं, ठीक है। वही चीज़ें, यानी एड्रेस वगैरह फिल करना है। और आपका ये लास्ट स्टेप होगा बेटा डिक्लेरेशन, यानी आप इस पर डिक्लेयर करेंगे कि एवरी डिटेल गिवन बाय यू इज करेक्ट, एंड आप उसको फुल गारंटी लेते हैं कि वो सारी चीज़ें आपने सही हैं। आई अंडरस्टैंड दैट इन इवेंट ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन बींग फाउंड फॉल्स और इनकरेक्ट एनी स्टेज माई कैंडिडेचर अपॉइंटमेंट लाइबल टू बी कैंसिल टर्मिनेटेड, यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपने गलत करी है तो आप एग्जाम प्रोसेस में आपको बाहर कर दिया जाएगा, ऑल ओवर कहने का मतलब यह है।
तो डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद आप डिक्लेयर कर दें और आपका बेटा वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो फर्दर एसएससी के जो भी फॉर्म्स आने वाले हैं, एमटीएस के, सीएचएसएल के, सीजीएल के, जीडी के, स्टैनो के, है ना, जो भी फॉर्म्स आने वाले हैं, तो अब ये सब इसी न्यू वेबसाइट पे ही भरे जाएंगे। तो बेटा एसएससी की तरफ से ये जो नोटिस रिलीज हुआ है वो मैंने आपको दिखा दिया है, क्या इसका मतलब है, क्या सेंस है वो मैंने आपको बता दिया है। तो क्या वेंडर चेंज होने वाला है? तो हाँ, इसकी आशंकाएं नजर आती हैं कि फर्दर वेंडर चेंज हो सकता है, तभी ये न्यू वेबसाइट लॉन्च हुई है, रजिस्ट्रेशन दोबारा कराया जा रहा है। तब एग्जाम 2017 तक सीफी कराया करता था, उसके बाद जब टीसीएस ने ये टेंडर लिया तो टीसीएस ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन दोबारा कराया था। तो हाँ, ये सब चीजें इसी तरफ के इशारा हैं कि न्यू वेंडर आपका लॉन्च आने वाला है एग्जाम कराने के लिए एसएससी के, तो आप जल्दी से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लें। कोई अदर फर्दर इंफॉर्मेशन आएगी तो हम आपके साथ प्रेजेंट रहेंगे। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, मिलते हैं, जय हिंद सभी को।